नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एसएससी रिजल्ट ईयर 1 के प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। दोस्तों इस सेट में हमने लिया है प्रीवियस ईयर जीके जीएस का क्वेश्चन। दोस्तों इसमें 26 लेकर 50 तक क्वेश्चन लिए। दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आपको एक एक करके डिस्कशन करके और दोस्तों हर क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल के साथ बताएंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दोस्तों रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों हम डेली अपडेट वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर, यदि डैश फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर औसत संप्राप्ति शून्य होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। क्या होगा दोस्तों? पूर्ण प्रतिस्पर्धा। चलिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 27 नंबर पर। 27 नंबर क्या कहता है दोस्तों? 27 नंबर है औसत परिवर्ती लागत वर्ग चक्र डैश आकार के होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, यू आकार का। किस आकार का होता है? यू आकार का होता है। चलिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, केंद्रीय अवशोषण और आसूचना ब्यूरो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गई है, डैश सूची में सूचीबद्ध है। इसका क्या आंसर सही आंसर होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। चलिए तो इसको इस क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल में जानते हैं। केंद्र तथा राज्य संबंध को संघवाद की ओर उन्मुख कराने हेतु भारतीय संविधान में सातवीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। इस प्रणाली को किस देश से लिया गया है दोस्तों? इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके तहत केंद्र तथा राज्य के मध्य वित्तीय शासन प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया। कितने भागों में विभाजन किया गया दोस्तों? इसको तीन सूची में दिया गया। कौन कौन सा? पहला है दोस्तों संघ अथवा केंद्र सूची। पहला कौन सा है? संघ तथा केंद्र सूची। दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। याद रखिएगा पहला दोस्तों, पहला संघ अथवा केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। दोस्तों याद रखिएगा तीन होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, उड़ीसा में कुल 10 संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचित क्षेत्र है, बताइए दोस्तों इसका क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, कितना 10। चलिए इस क्वेश्चन का थोड़ा और डिटेल जानते हैं ताकि आपको याद रहे ये क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, राज्यसभा उच्च सदन तथा द्वितीय सदन में सदनों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। वर्तमान ये संख्या कितनी है? यह है 245। उड़ीसा तथा एक और कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान। उड़ीसा तथा राजस्थान में 10 राज्यसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं। कितने हैं दोस्तों? 10 निर्वाचित हैं दोस्तों, निर्वाचन क्षेत्र हैं उड़ीसा तथा राजस्थान में। किसमें दोस्तों? उड़ीसा तथा राजस्थान में, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखाना के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने डैश जा पहुँचे थे। कहाँ जा पहुँचे थे दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों अहमदाबाद पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे दोस्तों? अहमदाबाद। चलिए इससे रिलेटेड थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। 1917 ईस्वी, कितना ईस्वी दोस्तों? 1917, याद रखिएगा दोस्तों 1917 में चंपारण बिहार, चंपारण कहाँ है दोस्तों? बिहार में, याद रखिएगा। चंपारण बिहार में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग करते हुए सफल किसान आंदोलन चलाया। 1917 में दोस्तों चंपारण बिहार में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग करते हुए सफल गांधी आंदोलन चलाया। इससे उत्साहित होकर उन्होंने अहमदाबाद स्थित सूती वस्त्र कारखाना के कार्यरत मजदूरों की मांग के पक्ष में 1918, कितने ईस्वी दोस्तों? 1918 में सत्याग्रह का प्रयोग करते हुए पहली बार भूख हड़ताल किया। इस आंदोलन में गांधी जी ने सफलता भी प्राप्त किया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? इसका सही आंसर है दोस्तों कहाँ के नवाब थे? बंगाल के। कहाँ के नवाब थे दोस्तों? बंगाल के। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही दिल्ली केंद्र सत्ता में कमजोर होने लगी थी दोस्तों। किसके पतन के बाद? मुगल साम्राज्य के पतन के बाद। इसका फायदा सर्वप्रथम बंगाल का नवाब कौन? मुर्शिद कुली खान ने उठाया। बंगाल सूबे को केंद्रीय सत्ता से स्वतंत्र करा दिया था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 32 नंबर पर। 32 नंबर क्या कहता है दोस्तों? डैश मृदा हुमास निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर दोस्तों वनस्पति जात एवं प्राणी जात कौन करते हैं दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन होगा वनस्पति जात और प्राणी जात। इसका चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं दोस्तों। कृषि संदर्भ में मिट्टी की सबसे ऊपरी पतली परत को ह्यूमस ह्यूमस कहते हैं, जिसमें प्रत्येक जैविक पदार्थों की मात्रा भरपूर होती है। जीवाणु द्वारा मिट्टी में वनस्पति के सड़ने और गलने से ह्यूमस का निर्माण होता है, जो मिट्टी को में उत्पादन क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर कहता है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर दोस्तों ए नंबर ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ए नंबर 8° 4' उत्तर और 37° 6' उत्तर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर दोस्तों ए नंबर ऑप्शन प्रद्रव क्या है दोस्तों, प्रद्रव। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर। रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों, दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, क्या होता है दोस्तों, प्लाज्मा याद रखिएगा। दूसरा होता है रुधिराणु, क्या होता है दोस्तों, रुधिराणु याद रखिएगा। अब प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा रक्त का आजीवित तरल भाग होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन को शरीर में संवहन कराना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर। 35 नंबर कहता है दोस्तों दो समान माप वाले युग्मों को के संगलन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है दोस्तों 35 का सी नंबर ऑप्शन संयोगिकी, क्या होगा दोस्तों, संयुग्मकी, क्या होगा, संयुग्मकी याद रखिएगा दोस्तों 35 का नंबर का। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 36 नंबर का क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ये इजी क्वेश्चन है, जिन प्राणियों में कोशिका तृणभूमीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों, आप लोग तो टिक मार दिए होंगे, इसका सही आंसर है दोस्तों त्रिकोर की, क्योंकि यहाँ पर तीन भूर्णीय कहता है इसलिए त्रिकोर की होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब, क्या कहा जाता है दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन तो जो प्रतिबिंब दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब दर्पण के आगे पर्दे पर बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहते हैं। एक बार सुन लीजिए प्रतिबिंब दोस्तों, दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब दर्पण के आगे पर्दे पर बनता है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज कहते हैं। केवल अवतल दर्पण में ही वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड पूछ देगा आपको किस दर्पण में केवल अवतल दर्पण का क्या कहते हैं, रियल इमेज का प्रतिबिंब बनता है, वो होता है कौन सा दोस्तों, या बताइए आपको अभी हम बताएं। इसका सही आंसर दोस्तों अवतल दर्पण, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक डैश होता है। इसका क्या होगा आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर दोस्तों एक सरल रेखा होता है, क्या होता था, सरल रेखा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। किसी कण या पिंड की गति एक समान चाल कहलाती है, किसी कण या पिंड की गति क्या कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। यदि यह समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है तो इसका सरल ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा होता है। इसका ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों डैश डाटा मान के समान प्रकारों का संग्रह जिसका समान नाम होता है, क्या समान नाम होता है दोस्तों। इसका सही आंसर है सी नंबर ऑप्शन दोस्तों विन्यास, क्या होता है दोस्तों, विन्यास। चलिए दोस्तों इसके क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। विन्यास को इंग्लिश में हम लोग दोस्तों एरे कहते हैं। एरे एक प्रकार का नॉन प्रिमिटिव तथा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो एक समान डेटा आइटम का समूह बनाता है, अर्थात यह सिर्फ एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर करेगा। सभी लीनियर इंटीजर डाटा को स्टोर करेगा या फिर सभी फ्लोटिंग पॉइंट के डाटा को स्टोर करेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है डैश का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों,
इसका सही आंसर है दोस्तों नायलॉन। किसका दोस्तों? नायलॉन। चलिए दोस्तों उसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। नायलॉन को पहली बार 1930 ईस्वी के दशक में वैज्ञानिक वायरलेस कैरथस ने विकसित किया था। किसने दोस्तों? वैज्ञानिक वायरलेस कैरथस ने इसको विकसित किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत पर निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दोस्तों विद्युत लेपन। इसके क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। विद्युत धारा द्वारा विद्युत पर धातुओं पर लेपन करने की विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत लेपन कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर कहता है दोस्तों, डैश से मतलब संपिष्ट में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, जन्म दर। क्या है दोस्तों? जन्म दर से मतलब है समष्टि। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 43 नंबर क्या कहता है दोस्तों? 43 नंबर कह रहा है, डैश प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है जिसके अंतर्गत उन परिवारों को घरेलू एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। क्या होगा दोस्तों? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 43 का बी नंबर। चलिए इस क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल जानते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन आए तो आप मार सकते हैं। ठीक है आंसर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत के गरीब परिवारों को की महिलाओं के चेहरे पर खुशी लाने हेतु उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा 1 मई कितने दोस्तों? 1 मई 2016 याद रखिएगा दोस्तों, 1 मई 2016 को शुरू की गई थी यह योजना। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन मिला था। याद रखिए आपके कभी पूछ जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू किया गया था दोस्तों? 1 मई 2016 याद रखिएगा। चलिए दोस्तों उसके आप 44 नंबर पर क्वेश्चन पर आते हैं। 44 नंबर क्या कहता है? 44 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, जल रोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, चार्ल्स मैकिनटॉस। किसने दोस्तों? चार्ल्स मैकिनटॉस। और रॉबर्ट हुक ने प्रतिस्थापकता से संबंधित हुक नियम को दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 45 नंबर क्या कह रहा है? 45 नंबर कह रहा है, रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने किस खेल में रजत पदक जीता था? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 45 ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। 45 का नंबर अगर नहीं जवाब दीजिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब बताएंगे इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा 45 नंबर का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन पर, 46 नंबर कह रहा है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार कौन थे दोस्तों इसका 46 का नंबर का? इसका सही आंसर है, सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे दोस्तों? उस्ताद अहमद लाहौरी। चलिए दोस्तों इसके क्वेश्चन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपने दिवंगत बेगम मुमताज महल की याद में कराया था। इस इमारत का निर्माण कराने वाला मुख्य संस्थापक कलाकार उस्ताद अहमद खान लाहौरी था, परंतु उस्ताद ईसा ने ताजमहल का रूपरेखा तैयार किया था। कभी आपको पूछ देगा इसका रूपरेखा किसने तैयार किया था? उस्ताद ईसा ने ताजमहल का रूपरेखा तैयार किया था, याद रखिएगा दोस्तों। ताजमहल जो बनाया था मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में बनाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2016 में साहित्य में नोबल पुरस्कार से डैश को सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर है दोस्तों क्या होगा? 47 का सही आंसर है दोस्तों बॉब डीलन को। किसको दोस्तों? बॉब डीलन को सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों उसके आधार 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन सही नहीं है। कौन सा सही होगा आंसर? इसका डी नंबर ऑप्शन है, कोई भी कथन सत्य नहीं है दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन होगा, कोई भी कथन सत्य नहीं है। तीनों जो दिया गया तीनों का सही आंसर नहीं है ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 49 नंबर क्या क्वेश्चन है?
अप्रैल 2016 में उत्तर कोरिया पर बढ़ते तनाव के बीच किस देश ने अपना पहला घरेलू निर्मित विमान वाहक प्रक्षेपित किया था? क्या हुआ इसका आंसर दोस्तों? 49 नंबर का सही आंसर दोस्तों सी नंबर ऑप्शन चीन। किसने दोस्तों? चीन। दोस्तों करंट अफेयर रेगुलर पढ़ते रहिएगा दोस्तों, ये से करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछेंगे, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों चितवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन है दोस्तों? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।